केन्द्रापड़ा जिला महाकालपड़ा जौरा गाँव में चांचल्य दुई दिन में दुईज युवकों सन्देहजनक मृत्यु को नहीं चांचल्य खेली जाए। गत काली झुलंता अवस्था गाँव प्रशांत साहू का मृतदेह मिलता आज सका पोखरी उद्धार होती अशोक परिडा मृतदेह उभय अशोक और प्रशांत गत 26 तारीख राति प्रशांत बाड़ी में भोजी करते सका ओढ़नी झुलंता अवस्था प्रशांत का मृतदेह मिलता पाखे मद बोतल और दानादार मिलता पर लोके सन्देह करुते अशोक हत्या कर फेरार हो जाए। मात्र आज सका प्रशांत बाड़ीपट पोखरी मिली अशोक मृतदेह मुंडे आघात भी लगी दुई दिन में दुईजन रहस्यजनक मृत्यु को नहीं अंचल चांचल्य खेली जाए। दुई दुईट जहाँ मृतदेह उद्धार करा कराई निश्चित भाव चांचल्य खेली जाए। आशा कराला जड़े अन्य जन को हत्या करके बोध हुए फेरार हो जाती किंतु तापर मध्य आज सका पोखरी भितर मृतदेह मिली अशोक मृतदेह और मुंडे आघात लगी देखाई तेणु ये रहस्य कौन ये रहस्य केवे उत्थापन हम एक नहीं कि निश्चित भाव संशय खेली जाए। सकाळ आम खबर पाइलु आमर से मझियाई पुओ तथा आम कल सन्ध्याल आम मझियाई की पचारूँ जे ते पिला कुआड़े गला कौन कला टी तदंत कर जदि कौड़े आम कौन प्रकार साइपर कि जदि से भुक्तभोगी अच्छी तेल से दोषी हो सर किसी मतलब ना कि आज सकाळ आम देख लुजे से ही प्रशांत पोखरी जे आम मझियाई पुओर शव भाषुच ना आम चाहूँ यार प्रकृत तदंत कर सि भी आई तदंत कराऊ ना आम जाम पर तरफ रास्तार को आंदोलन करूँ किए मर्डर निश्चिंत करा दीटा पिला मरटा को तदंत करस न धरवे आम आंदोलन करूँ आ समरेन्द्र महाली मोसित फोन लाइन जोड़ी होती समरेन्द्र प्रकृत में ये जो दुई जन प्रशांत कहतु अशोक कहतु ये जो सांग थे कि प्रथम प्रश्न एवं जितने मद बोतल पाखे मिलूँ जनकर दानादार मिलूँ ये गोटे आत्महत्या नहीं कि सन्देह सृष्टि करुच्ची कितु जो भाई अवस्था ये दुईजर मृतदेह मिलूँ अलग अलग स्थान अलग अलग परेश रहस्य घनौ कौन रही बर्तमान स्थित से मृत्यु घटना कारण देखो 26 तारीख राति प्रशांत साहू को घरे अशोक साहू दुईज एक मंस भोजि कर आयोजन करते दुईज जो घर पक्षपट अच्छी दुईज से घरे कि अशोक परिडा मोटरसाइकल था कि अशोक परिडा नु तापर जो मानने जो 27 तारीख सका जो प्रशांत साहू को पर लोक देखी थे ओढ़ने लगे प्रशांत साहू आत्महत्या झुलु थार दृश्य देखते संगे संगे ये विषय जन कि घर दानादर कि मद बोतल पा बोतल से पाखे पड़ा से घर मैं दुर्गंधमय पर्स्थित होता दानादर बहुत जोर स्मेल होता गोटे संदेह सृष्टि करता जड़े जदि प्रशांत साहू जदि आत्महत्या कर तेणु दुईट जिनस ओढ़ी अशोक परिडा जो प्रशांत साहू को मृत्यु कर आत्महत्या रूप दे दिन सका आज सका समरेन्द्र ये पूरा संपूर्ण जो भाव में रही घटनाक्रम ए तृतीय व्यक्ति इनवॉल्वमेंट संदेह करा प्रथम कथा द्वितीय कथा ये दुई जन प्रशांत हूँ अशोक बयस तारतम्य बहुत अधिक प्रशांत साहू को 22 वर्ष एवं अशोक परिडा को 35 वर्ष एत वर्ष जदि 13 वर्ष डिफरेन्स रोच दुजन बयस ये दुजन बंधु तो हो पारे ये दुजन भितर कौन पर मंस भोज करुले अने के तृतीय लोक सामिल थे कि ना कौन प्रकार शत्रुता आगु थी एम का सहित अनेक किसी प्रश्न तो उठू पुलिस पहुँचला तदंत कला आरंभ कला कौन कह पुलिस कहवा कथा कौन एक नहीं कि देखो दुई जन बयस तारतम्य हेले भी जीत अशोक पड़ा इलेक्ट्रिक कम करे जो प्रशांत साहू मध्य अलग एक पिला हेमंत बोली कहवा कथा लोक से कम करूला हेमंत इलेक्ट्रिक कम ये किसी दिन हम अशोक पड़ा सहित जे प्रशांत साहू किसी दिन है विभिन्न जगह जाए इलेक्ट्रिक कम घर वायरिंग कम
ସେ କରୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ସାତ ଆଠ ଦିନର ବନ୍ଧୁତା ବଢି ଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ ନଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ବଢି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ କାଲି ଏଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତୁରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯୋଉ ଘରୁ କର୍ତ୍ତୁରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ପୋଲିସ ତ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସକୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ପୋଲିସ ଏ ବିଷୟରେ ସଠିକ କିଛି କହି ନକଲା ବେଳେ ସେ ଏଇଟା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ମୁଁ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି କାଳେ ବି ପ୍ରେମ ଜନିତ ହେଇପାରେ କି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁତା ଥାଇପାରେ କି ବିଭିନ୍ନ କଣ ଶତ୍ରୁତା ଯିଏ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହିବାଟା ତାଙ୍କର କିଛି ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବାପା କହିବା କଥା ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଅଶୋକ ପରିଡ଼ା ସହିତ ହେମନ୍ତ ବୋଲି ଜଣେ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କାରଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲା ତା ପାଖରେ ଯେହେତୁ ହେମନ୍ତ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲା ତେଣୁ ଇଏ ଆସି କିଛି ଦିନ ହେଲା ସମରେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଯେମିତି ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ହୁଏତ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥାଇପାରେ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କର ମୃତଦେହ ବାଡ଼ିପଟ ପୋଖରୀରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି ତେଣୁ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଏ ଥିବେ ଏବଂ ସେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଏଥିରେ ନେଇକି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ।